केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। झारखंड की इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर रांची में धारा 144 लग रहे हैं। जी हाँ, झारखंड की राजधानी रांची में धारा 144 के तहत 11 जून 2024 की रात 11 बजे तक के लिए निषेधाज्ञा लगा दी गई है। बता दें कि रांची के प्रशासन ने धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी है। इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। शुक्रवार यानी कि 17 मई यानी कि आज प्रशासन की ओर से इस संबंध में जानकारी दी गई। प्रशासन की ओर से बताया गया कि रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी रहेगी। अनुमंडल दंडाधिकारी ने निषेधाज्ञा का आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश 4 जून 2024 की रात 11 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान कई चीज़ों पर रोक रहेगी। आइए इस पर विशेष डालते हैं क्या क्या है। जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों की ओर से जनसभा और जुलूस के आयोजन किए जाते हैं। जनसभा एवं जुलूस में सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इसमें शांति व्यवस्था और विधि व्यवस्था भंग होने की आशंका बनी रहती है। 16 मार्च को चुनाव की घोषणा के साथ ही लागू हुई थी निषेधाज्ञा। इतना ही नहीं, चुनाव के दौरान कई बार मतदाताओं को डराने धमकाने जातीय सांप्रदायिक एवं धार्मिक विषेद की भावना फैलाने के लिए अवांछित एवं असामाजिक तत्व भी सक्रिय हो जाते हैं। झारखंड की राजधानी में कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न ना हो, इसलिए 16 मार्च को चुनाव की घोषणा के साथ ही धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। वहीं शुक्रवार यानी कि आज 17 मई को इसकी अवधि समाप्त होने के बाद अनुमंडल दंडाधिकारी सदर ने इस संबंध में नया आदेश जारी किया, ताकि रांची लोकसभा क्षेत्र में स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराया जा सके। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 4 जून 2024 की रात 11 बजे तक लागू रहेगा। आखिर इसमें क्या है, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, आइए इस पर जोर डालते हैं। कोई भी व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक दल या उसके उम्मीदवार बिना संरक्षण पदाधिकारी की अनुमति के सभा, जुलूस, धरना आदि नहीं कर सकेंगे। जुलूस धारदार हथियार लेकर चलाना प्रतिबंध है। रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक झारखंड कंट्रोल ऑफ द यूज ऑफ प्ले ऑफ लाउड स्पीकर एक्ट यानी कि 1955 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर रोक है। वहीं किसी सार्वजनिक संपत्ति पर नारा, पोस्टर, पॉम्पलेट चिपकाने, पार्टी विशेष का झंडा लगाने, सार्वजनिक सड़कों पर बैनर लगाने, होर्डिंग एवं तोरण द्वारा लगाने का प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने पर संबंधित लोगों के खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से कई प्रकार के विशेष यहाँ पर आदेश दिए गए हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।